स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा, हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, भूख आशा की आंगन आंगन गाएगी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। सर ये आपका समय बताएंगे, जो आपने सिलसिला शुरू किया था उस वक्त वो लास्ट स्टेज पे है, तो थोड़ा आप उस पर रोशनी डालेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको काफ़ी विग्रसली फॉलो किया गया, खासकर इस साल में काफ़ी विग्रसली फॉलो की गई, क्योंकि स्कीम तो 2014 से चल रही थी, बट उतना ज़्यादा ध्यान शायद इसकी तरफ कहीं ना कहीं नहीं दिया गया जितना इस टाइम गवर्नमेंट का भी एक मिशन बना हुआ है कि पूरे इंडिया को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना है। उसी अपनी स्टेट के साथ साथ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एफर्ट्स किए कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ओपन डेफिकेशन फ्री करें। ओपन डेफिकेशन फ्री करने का मतलब कि हर एक घर में जो बेसलाइन सर्वे के अंदर आए हुए हैं उस सब घरों में IHHL यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करा दिए जाएं। एज ऑन डेट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में IHHL यूनिट्स 100% कंस्ट्रक्ट हो गए हैं एज पर बेसलाइन सर्वे, और साथ साथ में इनकी जियो टैगिंग भी मोर देन 80% हो चुकी है, और इसकी वेरिफिकेशन भी डिफरेंट टीम्स जो कॉन्स्टिट्यूट की थी डिस्ट्रिक्ट साहब ने, उन्होंने वेरिफिकेशन भी इसकी 100% कर ली है, और एज ऑन डेट हम जिन लोगों ने यूनिट्स बनाए हैं उनके 12,000 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है, उस हिसाब से जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। और आगे मेरी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि अब जैसे ये यहाँ पर चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है, अभी हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये कि अब हमने ये इंश्योर करना है कि जो यूनिट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं इन यूनिट्स की यूटिलिटी और यूज़ हो, यूजेज इसका 100% हो, ताकि लोग स्लिप बैक ना कर जाए, ऐसा ना हो कि यूनिट बना दिए, यूनिट बनाने के बाद में फिर लोग छोड़ दें, ओपन डेफिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए। जहाँ भी वहाँ के लीकेजेस हैं उसको प्लग इन करने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये इशू ख़त्म नहीं होगा। ODF करने के बाद हम ODF प्लस की तरफ जाएंगे, जहाँ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हम जाएंगे, जितना ये सॉलिड वेस्ट है और लिक्विड वेस्ट है इसको कैसे कलेक्ट करना है और कहाँ इसको डिस्पोजल करना है उसके ऊपर भी बात चल रही है, साइट्स आइडेंटिफाई की जा रही है, और अभी अवेयरनेस के लिए एक स्वच्छता ही सेवा जो प्रोग्राम होगा 17-18 दिन का, 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, 2 अक्टूबर को कल्मिनेट होगा, उसमें भी डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उम्मीद के हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी किए जाएंगे, और डिफरेंट एरियाज जो हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की हुई है उनको क्लीन किया जाएगा, और स्कूल कॉलेज वगैरह में कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन इसी थीम के हवाले से वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।